गुरु प्यारे संगत जी, असीं पहुँच गए हैं रस्ते दे उत्ते कि जिथों रस्ता जड़ा है वह हुण सीधा किया जा रहा है कश्मीरी गेट, यानी कि कश्मीरी घाटी बनेगी है। और इस तो बाद ये जड़ा है गुरद्वारा चवा साहब और माता साहिब कौर नूं है रस्ता जड़ा जन्म स्थान माता साहिब कौर नूं जड़ा वह रस्ता है मिलाएगा। ठीक है जी, किस पासों में आओ तुहानूं असीं दिखाने हाँ, अगे चलो नाल दी नाल असीं तुहानूं दसते चलने हैं सारी डिटेल्स कि यह रस्ता पहले इत्थे मौजूद नहीं सी, यह रस्ता हुण बनाया जा रहा है। तुहाडे सामने तुसीं देखो ये बुलडोजर लगा है। जी यह रस्ता है, ठीक है जी। और इत्थों अगर तुसीं देखो तो थल्ले असीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਆਓ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ये पुराना राह है जी, जी तुसीं देख रहे हो बड़ा तंग जिहा रस्ता है, लेकिन एक इतिहासिक रस्ता है। उत्ते रोहतास गेट दा नॉर्थ ईस्ट वाली साइड ते अगर तुसी देखो कश्मीरी गेट है। एक कच्चा राह भी जांदा है, इत्थों आपां दाखल होया करांगे गुरद्वारा चवा साहब तों जन्म स्थान श्री माता कौर साहिब। ठीक है जी, मैं इस वेले बिल्कुल कश्मीरी गेट ते खलोता होया और थले जा रहा एंशियंट ग्रैंड टंक रोड। एंशियंट ग्रैंड ट्रंक रोड है पिछे थोड़े, दिखाओ जरा उस साइड तो। ये देखो तुसी, ओ अगे एंशियंट ग्रैंड ट्रंक है और असीं इस वेले खलोते हुए हैं कश्मीरी गेट। इस रस्ते नूं मिलाना है जी गुरद्वारा चवा साहब नाल। हर गेट देखने चाहिए जिवें बंद है, बट ये बंद नहीं है, एक दुश्मन नूं भुलेखा देने वास्ते। उस वेले इत्थों जन्म स्थान माता साहिब कौर जी ओनली असी 5 मिनट च पहुँच जाएंगे, उदा असी बाहरों 20 मिनट लग जाते हैं घट्टो घट पैदल। तुहानूं अंदर तो दर्शन करवाइए। ओल्ड स्कूल है जी ब्रिटिश टाइम का सामने, और तुसीं देखो ये जिहड़ा घर नज़र आ रहा है मोटरसाइकिल दे बिल्कुल इस वेले कोल, ये जन्म स्थान की जगह है जी इत्थे तक। सो
ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਇਸ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਫ ਰਸਤੇ ਔਰ ਸ਼ੋਰਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਰੋਹਤਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਵਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ।